आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में हर कैपिटल में डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ास तौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में ये हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। सर, जिस तरह विधानसभा चुनाव की बात लगातार इन इंग्लिश वी कैन सी दैट पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर क्लाइमिंग रैपिडली। गवर्नमेंट इज मेकिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ फ्रॉम दिस। ओवर द लास्ट 10 डेज 9 times दे हैव बीन रेज्ड। कांग्रेस पार्टी इज प्रोटेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री इन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स स्टेट कैपिटल्स हियर विद आर एमपीज अगेंस्ट दिस प्राइस राइज, against the rise of petrol and diesel prices. Government has to stop doing this. This is hurting the poorest people in the country and it's hurting the middle class. Government has to ensure that prices do not rise and they stop raising diesel and petrol prices. Thank you. नहीं देखिए, वो तो सब लोग जानते हैं, गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है, 102 रुपये है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2-3-4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली पेट्रोल ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो क्योंकि बाद में मुसीबत आई। थैंक यू। आई विल थिंक देयर इज अ डिबेट इन पार्लियामेंट ऑन मंडे। थैंक यू सर।